Big F with Randeep Hooda. The idiot's theory of virginity. The length of a girl's shorts is directly proportional to the probability of her being a virgin. That's the message and mantra at NMSI. Naam nahi suna apne school ka? It's called Narrow-Minded School of India. तो यहाँ क्या होता है कि fine skills are taught and it's based on well-proven equations and theories like अगर skirt छोटी है तो available है, अगर available है तो slut है, और slut है तो molestation और rape तो जायज है. And basically school के graduates decide करते हैं कि आप virgin हैं या नहीं. Like Janvi, a cheerleader. क्या? छोटे shorts में? देखिए क्या क्या सुनना पड़ा उसे. जानवी जानवी जानवी, जब से तुम्हें देखा है सोते जागते यहाँ तक कि नहाते हुए भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ. आई लव यू जानवी, आई लव यू. आई लव यू टू तन्मय, आई लव यू टू. आउच, कौन अपनी बहन का नाक पिंच करके उसे उठाता है? आज फिर से तन्मय मुझे किस करने वाला था और तुम्हारी वजह से फिर से ये किस रह गई. ओए, be thankful to me. At least तेरे को उठा दिया this stupid match शुरू होने से पहले. Oh God, 4 मिनट. दीदी, come on, अब जाओ, जल्दी, जाओ. तुमने शगुन के किस्ती भी दे दी. सेंचुरी तो मारनी पड़ेगी. टॉस जीत चुकी है और सबसे पहले मैदान में आ रहे हैं टीम के यंगेस्ट कैप्टन, रिकॉर्ड ब्रेकर, पिछली 3 मैचों में शतक मारने वाले तन्मय अरोड़ा. तन्मय, कुछ भी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. अरे फिर आई थॉट योर नेक्स्ट स्टेप या कम ऑन, क्योंकि तू उसे देख के जितना भूल करती है, आई मीन ऑनलाइन पिक्स पे जितनी चीजें कमेंट्स लिखती है ना, आई एम वेरी श्योर उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं करती हो. कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. और ये मारा तन्मय अरोड़ा ने पहली गेंद पर चौका. ओह माय गॉड, तेरा शॉट मिस हो गया. माय गॉड, वंडरफुल शॉट. आज तन्मय को रोकना नामुमकिन लगता है और तन्मय अरोड़ा के धमाकेदार शतक की वजह से उनकी टीम को एक बार फिर शानदार जीत हासिल हुई है और वो मैन ऑफ द मैच खिताब के पूरे हकदार हैं. आई एम श्योर यू आर टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू T20 क्रिकेट लीग बिगनिंग सून. और हमने सुना है कि आपकी टीम अल्टीमोज इस बार नेशन वाइड चीयर लीडर हंट ऑर्गेनाइज कर रही है. We are dying to know if that's true. Yes, you're right. हम बहुत जल्दी ऑडिशन शुरू करेंगे और 4 बेस्ट लड़कियां हमारी चीयर लीडिंग स्क्वाड के लिए सिलेक्ट. जानवी शर्मा. जानवी शर्मा, क्या तुम चंडीगढ़ वाली जानवी शर्मा हो? तुम वही जानवी शर्मा तो मेरे ट्विटर पर 100 बैक टू बैक कमेंट्स करती है बिफोर एनी मैच. दिस चीयरलीडिंग हंट इज ओवर. तुम्हारी जानवी शर्मा हो ना जो मेरे हर विक्ट्री पर मेरे लिए कपकेक्स बेचती हो. Thank God. I just found my biggest fan. Come here. I've searched for you all over. But aaj finally tum idhar ho. Meri paahon mein. Janvi Sharma, hamara time waste mat kijiye. अगर आप कुछ अच्छा सा डांस दिखा सकते हो दिखाइए, अदरवाइज नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज. नो सर, सॉरी, आई एम रेडी.
देखो तुम डांस ठीक ठाक कर लेती हो बट नॉट अल्टीमोस मटेरियल। सब प्लीज एक चांस दीजिए, इट विल बी वर्थ इट। देखो जानवी, हमें ऐसा टीम मेंबर चाहिए जिसमें पागलपन, जो पैशनेट हो, जिसमें दीवानापन, जैसे हम फील्ड पर खेलते हैं, तुम्हें वो पागलपन दिखाना। मेबी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लीज। सर एक मिनट, मुझे एक चांस दो प्लीज, इट विल बी वर्थ इट। चलो पैशनेट बनने के लिए कुछ देसी तो बनता है। डीजे कुछ देसी बजा दो। जानवी शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, कहां छुप कर बैठी थी तुम? वेलकम टू द अल्टीमोस फैमिली। हाय जानवी, कितना गंदा रूम है ना। मुझे तो लगा था कि हमें से ना, ना ये नहीं हो सकता। आई थिंक कुछ कोई कंफ्यूजन होगा। हमी टीम के पार्ट है राइट? और तन्मय ने, आई मीन कैप्टन ने खुद कहा था कि वेलकम टू द अल्टीमोस फैमिली, तो हमारे रूम थोड़े बड़े होंगे। आई एम श्योर दिस इज नॉट इट। दूसरे रूम में एक लड़की है नितारा, वो मुझे बोल रही थी कि यहाँ तो ऐसे ही होता है, इतनी बड़े ड्रामेबाज है ना वो। मुझे बोल रही है चिल बेब, इतना बुरा भी नहीं है, इफ यू आर स्मार्ट तो बहुत ऐश करोगे। एनीवे तू बैठ ना। आई नो बेडशीट्स थोड़े गंदे हैं, इट्स नॉट गोना बाइट योर बम। जानवी मिली, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ए, रोज सुबह 5 बजे तुम्हें यहाँ से वैन पिकअप करेगी जो तुम्हें स्टेडियम ले जाएगी, ओके? वहाँ तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकती हो। एंड हाँ, 3rd cheerleader नितारा, वो भी तुम्हें ज्वाइन करेगी। बी, उस बॉक्स में तुम्हारे कॉस्ट्यूम है, ओके? एंड सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रिक्टली नो कन्वर्सेशन विद द प्लेयर्स, नो इंट्रैक्शन, नो फ्रेंडशिप, नो पार्टीज एंड नो कॉन्ट्रोवर्सीज, अंडरस्टैंड? ये क्या बकवास है सब, प्लेयर्स के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं? लिसन, मैं तुम चीयरलीडर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नो फ्रेंडशिप, नो फ्रेंडशिप बेनिफिट्स, अंडरस्टैंड? व्हाट डस ही मीन बाय दैट? हम चीयरलीडर्स हैं, यहाँ अपनी जॉब करने आए हैं। वी नॉट हियर टू स्लीप अराउंड विद द प्लेयर्स। और जिस किस हम चीयरलीडर्स हैं, हम कोई डिसेंट या मीनिंगफुल फ्रेंडशिप नहीं बना सकते। लाइक व्हाट इफ तन्मय एंड मी बिकम फ्रेंड्स? लाइक ओह तन्मय, दी स्मूथ कैप्टन, हाँ तो ये बात है, वो तो हर लड़की की फैंटेसी है। नो, दिस इज ऑपोजिट ऑफ ऑसम। हम क्रिकेटर्स के साथ सोशलाइज नहीं हो सकते। गॉड, वी कुड डू द जॉब। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। जानवी चल। चांदी, तेरा स्टार्ट, चल। कम जानवी, चल। हाँ जानवी, कम ऑन, लेट्स गो। चांदू, तू जा। वैसे भी कोऑर्डिनेटर बकवास करता है। I'll see you later. Shanti the rebel. I like it. Let's go. Nitara. Hi. Hey. What's up? Good, good. Who are you? Meet my friend Janvi. Oh. So, तुम हो हमारे स्क्वाड की देसी पटाका। आपको कैसे पता? तन्मय ने बताया। No, I mean, auditions वो ले रहे थे तो। Yeah. तन्मय, bro here. So meet my gorgeous and beautiful ladies. She is Nitara. Hi. Hi. Nice to meet you. Same here. And
जानवी. या ही नोज मी. I do know. वो डांस ऑडिशन मैंने किया था. ओह, ओह या, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. I'm so sorry. वो इतना खूबसूरत फेस मैं कैसे भूल सकता हूँ. I'm sorry, Jane. जानवी. ओह या, जानवी. You know, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. I forgot you. I must make it up to you. No, no, it's okay. Oh, तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट हो. लेकिन एक डांस तो तुम्हें मेरे साथ करना ही होगा. I think मुझे जाना चाहिए. Hey, what the? तुम cheerleader हो ना? Drama मत करो, all right? चलो. एक्सक्यूज मी, चोली रहू तो तुम्हारे लिए अवेलेबल रहू. काम डाउन के विल सॉल्व इट आउट. कम. हाँ, क्या सॉर्ट आउट करूं? वेलकम टू द अल्टिमोस फैमिली, यही कहा था ना. सिक मैन तन्मय. मैंने तुझे पहले ही कहा था उस नितारा के साथ मत रुक पार्टी में. तो पार्टी करनी है, पार्टी करनी है. आई एम श्योर वो कोऑर्डिनेटर ही आया होगा. अब तेरे वजह से सबको डांट पड़ेगी. चलो अपना सामान पैक करो और रिसेप्शन पे आ जाओ. अच्छा, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया कल रात. ये और नितारा, मैं तो वापस आ गई थी सर पार्टी से. मैंने कुछ भी नहीं किया. शट अप. मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम चेयरलीडर्स पे वेस्ट करने के लिए. तुम्हें दूसरे होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, सो हरी अप. लगता है आई वॉज अ लिटिल टू गुड विद प्रवेश लास्ट नाइट. ये क्या है? कुछ नहीं, दिखाना. सॉरी फॉर लास्ट नाइट, कॉल मी टीए. मतलब तन्मय अरोरा. लेकिन वो तुझे क्यों सॉरी बोल रहा है? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, लगता है कल रात को कुछ होने से पहले ही कैप्टन सर सो गए. योर बैड लक. क्या हुआ? व्हाई सो सीरियस? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? जस्ट मैंने उसे याद दिलाया कि जस्ट बिकॉज हम चीयरलीडर्स हैं, हम प्लेयर्स के एट योर सर्विस नहीं हो जाते. या राइट. एनीवे आई एम टायर्ड, मैं नहाने जा रही हूँ. I'll see you guys in a bit. ओके, सी यू. Let's go. Thank God तुमने कॉल किया. कल रात के लिए आई एम रियली 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 सॉरी. हेलो, आर यू देयर? प्लीज मुझे और गिल्टी मत फील करवा. मैं सच में वैसा बंदा नहीं हूं. कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी रखी थी.
कम ऑन सॉरी बोल रहा हूँ ना। इट्स ओके, आई गेट इट। वैसे तन्मय, आई होप कि मैंने ये रूम एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसलिए नथिंग जानवी। आई इंसिस्टेड कि तुम तीनों को बेटर रूम्स मिले, बिकॉज़ यू आर पार्ट ऑफ द अल्टिमोस फैमिली। जानवी, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करना। आई वॉन्ट टू टेक यू आउट ऑन अ रियल डेट सो दैट यू गेट टू सी द रियल मी। कल रात जिससे तुम मिली वो मैं नहीं था। प्लीज वन चांस। एक कंडीशन पर, तुम्हें आज के मैच में 50 रन्स बनाना होगा। बस कम ऑन, मेरी स्टैंडर्ड का कुछ तो ख्याल करो। ओ प्लीज, पिछले मैच में तुम 32 में आउट हुए थे, तो ज्यादा हीरो मत बनो। पिछली बार इंस्पिरेशन नहीं था ना, इस बार देखना असली परफॉर्मेंस। फील पर डेट, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। हर लड़की को यही ले आते हो। और नहीं तो क्या? हाँ? पागल हो तुम। You know, मेरी क्रिकेट की शुरुआत इसी फील्ड से हुई। मेरे पापा यहाँ के केयरटेकर, घर में पैसे कम थे, पर हर सुबह वो मुझे यहाँ लाया करते, कोचिंग करवा। बचपन से मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। प्रैक्टिस में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका नाम रोशन करना मेरा मकसद बन गया। आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड एंड आई गेस दैट्स हाउ आई बिकेम अ चैंपियन। मैं भी चैंपियन हूँ। तुम चैंपियन? हाँ, गली क्रिकेट में। हंस क्यों रही हो? अब गली क्रिकेट हो या फील्ड क्रिकेट, क्रिकेट तो क्रिकेट होती है ना। राइट, तो फिर चीयरलीडिंग कैसे? डिडंट लाइक स्टडिंग? व्हाट डू यू मीन? चीयरलीडर स्टूपिड होते हैं, मैं स्मार्ट हूँ, टॉपर हूँ। तो फिर चीयरलीडिंग क्यों? जस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट? तुम हंसोगे। अरे नहीं हंसूंगा, बताओ। अरे बताओ तो सही, रहने दो, तुम मुझ पर क्यों ट्रस्ट करते? चलो अब मेरी बात। एंड दैट्स अ सिक्स। यस, वेल एक्चुअली 3 साल पहले जब तुम्हारी डेब्यू हुई थी, मैंने तुम्हारी एक भी मैच मिस नहीं की। और जब तुम वर्ल्ड कप के लिए प्ले कर रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मैंने एक एग्जाम भी बंक कर ली, और मेरे पापा ने मेरी जो क्लास ली केबल की वायर कट। तो फिर तुमने बाकी मैचेस कैसे देखे? मैंने वापस ज्वाइन कर दी, और शाम को पापा के आने से पहले उसे फिर से काट दी। एक बार मुझे शौक भी लगा, पर तन्मय अरोरा की बैटिंग और हम ना देखे, ऐसे क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली तुम यहां मेरे लिए आई हो। थैंक यू जानवी। थैंक यू किस लिए? जब आप फेमस हो जाते हो तो जेन्युइन लोग बहुत कम मिलते हैं। I was surprised by it. I hope you like cupcakes. क्या हो गया? Fine, मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता देती हूँ। तुम्हारे हर मैच के पहले मैं तुम्हारे पोस्टर को कपकेक खिलाती थी। It was like a ritual. My God, this is so. ओह गॉड, यार कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब? चीयरलीडिंग इज टायरिंग। हाँ, आर यू मैनेजर? लुक सो ग्रेसफुल, सेक्सी एट द सेम टाइम।
हाउ डू यू सो सेक्सी. मैंने सुना तुमने कुछ कहा नाक के बारे में. नहीं मैंने कुछ नहीं कहा. तुम बता मुझे क्या कहा तुमने. मैंने कुछ नहीं कहा. I'm serious. नहीं बताओगी तो मैं जा रहा हूँ. No. Okay, wait. Okay. जब तुम मेरे सपने में आते थे हम बस किस करने ही वाले होते थे. क्या हुआ? One minute. I have a confession. प्रवेश का मैसेज. Hey bro, have you tapped her yet? Vikas, reminder that she's a cheerleader. Revenge time. प्रवेश अगर अगर तू ये बैट जीत लेगा तो मान लूंगा कि सबसे बड़ा प्लेयर है. जानवी प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था. जानवी प्लीज लेट मी एक्सप्लेन. जानवी उस रात जब तुम मुझ पर चिल्ला कर चली गई तो एवरीवन जस्ट गैंगड अप अगेंस्ट मी. कभी जो भाग गया था वो भी वापस आ गया है. दे ऑल जस्ट मेड मी फील लाइक अ लूजर. सो व्हाट हैपेंड बट हैंडसम स्टड समझता है तो अपने आप को. चलो चलो सब लोग. क्या हो गया? क्या वो कर गई यार तुझको तो हैं स्टड समझता है तो अपने आप को. मतलब तुझसे एक चीयर लीडर नहीं समझती. मतलब क्या है ये एक चीयर लीडर. चीयर लीडर नहीं समझती. महीना खत्म होने से पहले वो अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर में होगी. बात बढ़ गई और अच्छे साथ द बैट. आई एम रियली सॉरी. ये सब स्टोरीज वाज ऑल जस्ट अ बैट. I'm sorry. Sanvi, please, I'm very sorry. Face kyun touch kar rahe ho? Touch me somewhere else, na. Sanvi. I'm a slut. Main cheerleader hoon na. Congrats, Tanmay. You won. Please. Call your friends. Un logo ko call karke batao ki tumne ek cheerleader ko uski aukaat dikha di. मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है. I don't know, just happened out of superiority. You can, तुम मर्द हो. You are a man. तुम किसी की फीलिंग के सामने नहीं आ सकते हो. I'm very sorry.
आई नो आई मेड अ मिस्टेक जानवी, गलती मैंने की और उसे सुधारने के बजाय आई एक्टेड लाइक अ शोविनिस्ट पिक. प्लीज जानवी, प्लीज जानवी, जानवी आज जो कुछ भी हुआ इट वाज रियल जानवी, इट मीन्स समथिंग टू मी जानवी. डोंट टच मी प्लीज जानवी, आई रियली लाइक यू जानवी. I'm genuinely sorry, Janvi. I was your biggest fan. 3 साल. मैंने तुम्हारे पीछे 3 साल बर्बाद किए. cheerleader बन गई. इसके साथ you two can do anything, right? I'm a cheerleader, so why don't you touch me? Why don't you take your phone? अपने friends को call करना. Call कर अपने friends को. Take pictures, but Yeah. Janvi. Take pictures of me. No, sir. Man, take pictures of me. Shoot. Janvi, please stop it. I'm sorry, Janvi. इस सीक्रेट ब्लॉगर ने बड़े डिटेल में लिखा है कि किस तरह प्लेयर्स, कोऑर्डिनेटर्स सभी इन्हें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना या किसी भी प्लेयर का नाम नहीं दिया है, ये कहकर कि वो इस प्लेटफॉर्म को अपनी लड़ाई के लिए यूज करना नहीं चाहती. वो सिर्फ बाकी लड़कियों को बताना चाहती हैं. And I quote, "The world is full of jerks. Just focus on your goals and don't let them get in the way." Bloody cheerleader, यार वो समझती क्या आपने आपको हाँ? इतनी खुजली थी तो हमारा नाम ले लेती ना? क्या हुआ था उसको? क्या वो डराती रहेगी और हम लोग क्या उसे पैसे दे देंगे क्या? हाँ? Bloody gold digger. She was trying to make a point, Pravesh. You get it? यार तू क्या समझेगा? तेरे दिमाग में actually कचरा भरा हुआ है. Shut up. You shut up. Oye, hello. अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से. तुम्हें क्या लगा सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास लिखोगे और हमें पता नहीं लगेगा? अल्टीमोस की रेपुटेशन खराब करना चाहती हो तुम. यू आर फायर्ड. और हाँ, अगर तुमने दोबारा मीडिया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो आवर लीगल डिपार्टमेंट विल सू यू फॉर ऑल दैट यू आर वर्थ. चलो फाइनली आप लोग ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि बी चीयरलीडर्स आर वर्थ समथिंग. एनोनिमस चीयरलीडर के ब्लॉग और उस पे हो रहे हंगामे के बाद अल्टीमोस के कैप्टन तन्मय ने सोशल मीडिया पर अपना ये शॉकिंग वीडियो रिलीज किया है. जब से वो कंट्रोवर्शियल ब्लॉग रिलीज हुआ है तब से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. कौन है वो लड़की? Who is she? Is she telling the truth? अगर वो सच कह रही है तो उसने उन प्लेयर्स के नाम क्यों नहीं लिए? Is she a blackmailer? कौन है वो प्लेयर्स? Etcetera, etcetera. I think finally मुझे उस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए. हाँ, वो लड़की सच बोल रही है और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि वो प्लेयर जिसने वो घटिया हरकत की, who had a bet to get into her pants, वो मैं था. हमारी प्रॉब्लम क्या है? वी मैन वी ग्रो अप विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट. और मैं तो एक स्टार क्रिकेटर हूं और वो सिर्फ एक आम लड़की. एंड दैट टू अ फैन. एंड आई हैव मिलियंस. शी इज जस्ट अ चीयरलीडर. तो फिर तो आई एम 100% एंटाइटल्ड. पर मैं ये भूल गया कि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक इंसान है और उसे ना कहने का उतना ही हक है जितना कि मुझे. फिर वो लड़की अगर चीयरलीडर हो या आपकी दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो गलत है वो गलत है. ये सब मैं आपके सामने हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा हूं. आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम अशेम्ड. आई एम जेन्युइनली सॉरी.
सॉरी। हे, हाउ इज इट गोइंग? सोच रहा हूँ डांस क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। टीम से बैन हो गया ना एक साल के लिए। तुम कैसी हो? I'm okay. दो तीन टीम से चीयरलीडिंग ऑफिस आए थे, अब तो पापा ने भी मना करना बंद किया है। That's good. आप जानवी, एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। I'm very sorry for what I did. I know you are. It's okay. I've moved on. जानवी, is there any chance कि हम दोनों फिर से? I told you. I've moved on. I can understand. किसी को माफ करने और दोबारा ट्रस्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। पर एक साल की छुट्टी है, फुल स्विंग में ट्राई करूंगा तो मे बी आई विल विन योर ट्रस्ट बैक। बेस्ट ऑफ लक।